लेट्स परफॉर्म अ ट्रिक। अपने एक दोस्त को कहें कि आपके सामने एक स्टिक लेके आए और आपने इस स्टिक को सेंटर से पकड़कर बैलेंस करने की कोशिश करनी है, लेकिन आप देखेंगे कि स्टिक हमेशा गिर जाती है। वजह क्या है, हम क्यों नहीं इसको बैलेंस कर पाए? याद रखें, कोई चीज़ सिर्फ उस वक्त बैलेंस होती है जब आप उसके सेंटर ऑफ मास पे इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। तो स्टिक गिरी इस वजह से थी क्योंकि मैंने उसको सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैलेंस नहीं किया। इसका आसान तरीका क्या है, आप अपने दोनों हाथों को इस तरह स्ट्रेच करें और सेंटर तक अपने हाथ को लेके आए। अपने हाथों को एक दूसरे के क्लोज लाते हुए आप देखेंगे कि स्टिक बआसानी बैलेंस हो जाती है। जिस पॉइंट के ऊपर ये स्टिक बैलेंस हुई है, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। और मजे की बात कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी जो है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी भी बॉडी के सेंटर पे हो। ये मेरे पास एक एसिमेट्रिकल स्टिक है, इस स्टिक का सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि इसके सेंटर में हो, इट कुड बी एनीवेयर। और आप अपने हाथों को जिस मर्जी एंगल से करीब लेके आए, आप देखेंगे इट विल ऑलवेज एंड अप एट द सेम पॉइंट। दिस इज व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। सो दिस इज नॉट अ मैजिक, दिस इज साइंस।